चले फिर लाइक कर में और भी कर ले हमारी वीडियो अब तक पहुंच सकते। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुसाफिर की नमाज का मुकम्मल मसला अर्ज करता हूँ, तवज्जो के साथ समाज फरमा लीजिए। देखिए, एक होता है शरई मुसाफिर, एक होता है वतन असली, एक होता है वतन इकामत और एक है नमाज कसर। सबसे पहले आप ये समझ लें शरई मुसाफिर कौन होता है। जो बंदा अपने शहर या अपने गांव की आबादी से बाहर आ गया और जहां वो जा रहा है यहां से वो जगह 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, वहां जाने का इसका इरादा है, तो ये बंदा शरई मुसाफिर है। यानी जब तक अपने शहर की आबादी में रहेगा ये शरई मुसाफिर नहीं होगा, और जब तक शरई मुसाफिर नहीं होगा नमाज कसर करने की इसे इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने शहर में रहता है, सफ़र दरपेश हुआ तो घर से सफ़र का सामान लेकर के निकल गया सफ़र के इरादे से, मगर अभी रेलवे स्टेशन पर है, अभी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा है, यहाँ तक कि जोहर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है, तो रेलवे स्टेशन पर, चूँकि रेलवे स्टेशन इसके अपने शहर की आबादी में ही होगा, तो रेलवे स्टेशन इसके अपने शहर की आबादी में है, यहाँ पर अगर नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज कसर नहीं करेगा, पूरी पड़ेगा। इसलिए कि अगरचे घर से निकल गया मगर शहर से नहीं निकला, और शरई मुसाफिर बनने के लिए शहर की आबादी से बाहर होना ज़रूरी है, घर से बाहर नहीं। तो जब तक ये शहर की आबादी में है यहाँ जितनी नमाजें आ जाएंगी ये नमाज पूरी ही पड़ेगा। यहाँ तक के ट्रेन में रवाना हो गया और ट्रेन आगे चल करके एक जगह रुक गई, वहाँ इसे जोहर असर या ईशा की नमाज पढ़नी है, और वो जगह अब भी शहर की आबादी के अंदर है, तो अगरचे इसका सफ़र शुरू हो चुका है ट्रेन में है, इसके बावजूद भी ये उस जगह पर नमाज पूरी पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो जगह भी शहर की आबादी में है। जैसे ही शहर की आबादी से बाहर होगा, शहर की आबादी से बाहर होते ही इस पर नमाज कसर करना वाजिब हो जाएगा। पहली बात तो आप ये समझ गए कि शरई मुसाफिर कौन होता है, जो अपने शहर की आबादी से बाहर निकल जाए और जहां वो जाना चाहता है इस जगह से वो जगह कम से कम 92 किलोमीटर दूर है या इससे ज्यादा है, तो ये बंदा शरई मुसाफिर होगा। इस पूरे रास्ते में जोहर असर या ईशा की जो नमाज आएगी वो इसे कसर करनी है। कसर किन किन नमाजों में होती है? जोहर की 4 रकात फर्ज, असर की 4 रकात फर्ज और ईशा की 4 रकात फर्ज। बस जोहर की 4 रकात फर्ज मुसाफिर शरई कसर करेगा 2 रकात पड़ेगा, असर की 4 रकात फर्ज मुसाफिर कसर करेगा 2 रकात पड़ेगा, ईशा की 4 रकात फर्ज मुसाफिर 2 पड़ेगा कसर करके, फजर की पूरी पड़ेगा, मगरिब की पूरी पड़ेगा, वितर की 3 रकात होती है वो भी 3 पड़ेगा, उसमें उसके अंदर भी कसर नहीं है, और सुन्नत नफल भी पूरी पड़ेगा। हाँ, अगर इसे अंदेशा आएगा मैं सुन्नत नफल पढ़ने जाऊंगा तो ट्रेन निकल जाएगी या मेरा काफिला कूच कर जाएगा, तो अब इसे सुन्नत नफल मुआफ है, सिर्फ फर्ज पड़े और रवाना हो जाए। ये तो हो गई बात। एक है वतन असली, एक होता है वतन इकामत। इन दोनों को समझ लीजिए। पहले वतन इकामत को समझ ले तो आसान है। जिस जगह पर आप गए वहां पर अगर आपकी नियत 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की है तो वो जगह आपके लिए वतन इकामत होगी, वहां आप नमाज कसर नहीं करेंगे, नमाज पूरी पढ़ेंगे। वतन इकामत, फॉर एग्जाम्पल, जयपुर शहर में रहने वाला ये इस्लामी भाई मकराना या अजमेर शरीफ गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हो जाता है और वहां हाजिर होकर इरादा यह है 3 दिन रुकूंगा, 5 दिन रुकूंगा, 10 दिन रुकूंगा, यानी 15 दिन से कम रुकूंगा, तो शरई मुसाफिर रहूंगा, नमाज कसर करूंगा, पूरी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। लेकिन अगर इरादा यह है कि यहां पर मैं 15 दिन रुकूंगा या उससे ज्यादा रुकूंगा तो अब मैं मुसाफिर नहीं रहूंगा, मुकीम हो जाऊंगा, अब यहां पर जितनी भी नमाजें हैं जोहर असर ईशा की पूरी पढ़ूंगा, कसर नहीं करूंगा। यह था वतन इकामत। और वतन असली, जहां बंदा पैदा हुआ है, जिस जगह माँ बाप रहते हैं या जिस जगह बंदा फैमिली को लेकर के शिफ्ट हो गया और अब यहां से जाने का इरादा नहीं है, तो ये जगह इसके लिए वतन असली है। वतन असली के अंदर भी बंदा कसर नहीं करेगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। यहां तक कि अगर वतन असली में बंदा 1 मिनट के लिए बाहर से आ जाए और यहां नमाज जोहर असर या ईशा आ जाए तो नमाज पूरी पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर इसी मिसाल को आप ले लें, जयपुर में रहने वाला एक शख्स, जयपुर उसका वतन असली है, वो कुछ दिन हाजरी गरीब नवाज के इरादे से अजमेर शरीफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि मेरी कोई चीज़ घर पर रह गई, पलट करके वापस जयपुर आया,
किस लिए आया? सिर्फ वो चीज लेने के लिए। जब वो चीज लेने के लिए आया जयपुर में अपने घर पर, तो नमाज जोहर या नमाज असर या नमाज ईशा का वक्त हो चुका था। चूंकि वतन असली वापस आ गया, ये भले पांच मिनट के लिए आया हो, जोहर असर ईशा का टाइम आ जाता है तो ये नमाज पूरी पड़ेगा, कसर नहीं करेगा। इसलिए कि वतन असली के अंदर भी नमाज कसर नहीं होती, पूरी पड़ी जाएगी, और वतन इकामत के अंदर भी नमाज कसर नहीं होगी, पूरी पड़ी जाएगी। ठीक है, ये हो गया वतन असली और वतन इकामत का मसला। एक बात और यहां मैं बारीकी की अर्ज कर देता हूं। ये तो आपने सुन लिया कि जोहर असर और ईशा की चार रकात वाली फर्ज नमाज शराई मुसाफिर कसर करेगा, पूरी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए वाजिब है कि दो ही पढ़ेगा, कसर करेगा। लेकिन जिस जगह पर यह बंदा शराई मुसाफिर है, मिसाल के तौर पर जयपुर से एक बंदा अजमेर शरीफ तीन दिन, एक दिन, दो दिन या दस दिन के लिए हाजिर हुआ, यानी पंद्रह दिन से कम, वहां पर नमाज कसर करेगा। कब? जबकि अकेले पढ़ेगा। लेकिन जब ये बंदा वहां के मुकीम सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो अब उनकी इख्तिदा की वजह से ये नमाज पूरी पढ़ेगा, अब कसर नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई मुसाफिर इमाम नमाज पढ़ाने वाला और ये भी मुसाफिर है तो ये मुक्तदी मुसाफिर इमाम मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़ता है तो ये अब इमाम साहब की इख्तिदा की वजह से दो ही पढ़ेगा। यानी ये मुसाफिर ही था तो मुसाफिर अपनी दो पढ़ेगा, इमाम साहब वो भी मुसाफिर है वो भी दो पढ़ेंगे। लेकिन अगर इमाम साहब मुकीम है और ये मुसाफिर है तो इमाम साहब की इख्तिदा की वजह से ये भी नमाज पूरी पढ़ेगा। इसका उलट कर ले, यानी इमाम साहब मुसाफिर है और ये मुकीम है, ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभी, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे वो है मुसाफिर इमाम साहब और हमें मुकीम। मिसाल के तौर पर हमारे शहर है जयपुर में, या आप जहाँ कहीं रहते हैं आपके शहर में कोई मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कोई आलिम साहब, कोई मुबल्लिग साहब तशरीफ लाए, आपने कहा जरूर नमाज पढ़ा दीजिए, तो याद रखिएगा मुसाफिर नमाज पढ़ा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एहतियात यह है कि वो नमाज से पहले ऐलान कर दे कि आप तमाम इस्लामी भाई, आप तमाम नमाजी हजरात ये ऐलान समाज फरमा ले कि मैं मुसाफिर हूँ, दो रकत पर सलाम फेर दूंगा, आप चूंकि मुकीम है लिहाजा जो हजरात मुकीम मेरी इक्तदा में है वो मजीद दो रकत पढ़ लीजिएगा और अपनी नमाज मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मसला याद रखिएगा, अगर इमाम साहब मुकीम है और मुक्तदी मुसाफिर है तो मुकीम इमाम की इक्तदा की वजह से ये मुक्तदी जो मुसाफिर है नमाज पूरी पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। इसका उलट हम कर लें कि इमाम साहब मुसाफिर है और मुक्तदी जो ये मुकीम है तो इमाम साहब की वजह से ये नमाज कसर नहीं करेगा, क्योंकि कसर इस पर नहीं है ना, वो तो इमाम साहब पर है, तो इमाम साहब तो दो रकत पर सलाम फेर देंगे, ये क्या करेगा, ये दो पढ़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। और ये भी याद कर लें कि ये जब मुकीम मुक्तदी खड़ा होगा अपनी नमाज पढ़ने के लिए तो इन दो रकतों के अंदर वो किरात नहीं करेगा, इसके लिए किरात करना नाजायज है। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वलबालीन तक जितनी देर में पढ़ता है इतनी देर खामोश खड़ा रहेगा और बाकी नमाज कायदे के मुताबिक मुकम्मल करेगा। ये था मसला मुक्तदी मुसाफिर की नमाज का। मजीद इसमें ऐड कर लें, जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी 15 दिन ठहरने की नियत हो या उससे कम ठहरने की नियत हो, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते सफर में जोहर असर ईशा की जितनी नमाजें आएंगी आप सब में कसर करेंगे। जहां आप जा रहे हैं वो जगह 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, रास्ते में जब तक है, जोहर असर और ईशा की जितनी नमाजें आएंगी आप इनको कसर करेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे, चाहे भले आप वहां पहुंच करके 15 दिन उससे ज्यादा ठहरने की नियत कर चुके हों। ठीक है, हाँ, जब रास्ते में तो आप ये नमाज कसर करेंगे, जब आप पहुंच गए अब आपकी नियत वहां 15 दिन उससे ज्यादा ठहरने की है तो वहां पर जाकर आप नमाज भले यकीनन कसर करेंगे, यानी पूरी पढ़ेंगे, 15 दिन उससे ज्यादा ठहरने की नियत है तो आप नमाज वहां पर पूरी पढ़ेंगे, कसर नहीं करेंगे, और 15 दिन से कम ठहरने की नियत है तो नमाज कसर करके पढ़ेंगे, यहाँ पे वाजिब है। ये था नमाज मुसाफिर का मुकम्मल मसला। मजीद, किसी इस्लामी बहन की शादी हो गई, शादी करके वो अपने ससुराल चली गई। ठीक है, मान लीजिए आपके शहर की इस्लामी बहन निकाह करके ब्याही गई दूसरे शहर में, और इस शहर से उस दूसरे शहर का फासला 92 किलोमीटर उससे ज्यादा का है, तो ये इस्लामी बहन जिसकी शादी हो गई और शादी करके अभी अपने ससुराल पहुंची है तो ससुराल में जाकर के ये कसर नमाज पढ़ेगी या पूरी पढ़ेगी, और कभी जब अपने मैके वापस आएगी माँ बाप से मुलाकात करने तो यहाँ पर पूरी नमाज पढ़ेगी या कसर करेगी। याद रखिएगा, जब इस इस्लामी बहन की शादी हो गई तो देखा जाएगा अब ससुराल ये हमेशा के लिए चली गई या आरजी तौर पर गई है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी कर देते हैं मगर विदाई नहीं देते, विदाई नहीं देते, ससुराल चली जाती है शोहर से मुलाकात करने के लिए,
रहती है, एक दो दिन फिर वापस आ जाती है। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो ये औरत अपने ससुराल जाएगी जो इसके शहर से 92 किलोमीटर उससे ज़्यादा है, तो मैं ससुराल में जाकर भी ये नमाज पूरी नहीं पड़ेगी, कसर करेगी, जबकि इसकी नीयत वहाँ पर 15 दिन से कम ठहरने की। हाँ, कभी कभार मान लीजिए 15 दिन उस ठहरने की वहाँ नीयत बन गई तो अब पूरी पड़ेगी। ये तो था आरजी रहने का मसला, कभी विदाई नहीं दी, ठीक है, और हमें अब वहाँ रहने लग गई, माँ बाप ने इसको विदाई दे दी है, तो अब ये वहाँ पर नमाज कसर नहीं करेगी, अब पूरी ही पड़ेगी। और जब कभी अपने मैं के आइए माँ बाप से मुलाकात करने एक दो दिन के लिए, तो अगरचे ये इसका अपना घर था लेकिन अब इसकी शादी हो चुकी है, अब इसका अपना घर वो है, यहाँ था और वो है, जब यहाँ माँ बाप से मुलाकात करने आएगी और यहाँ पर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत होगी, तो अपने मैके में आने के बाद ये औरत नमाज पूरी नहीं पड़ेगी, कसर करेगी। यह था नमाज मुसाफिर का मुकम्मल मसला। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए।